हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.5 से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 के तरह ही है, क्योंकि दोनों तरफ वेरिएबल है और एक तरफ हमको लाके उसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है विथ कॉन्स्टेंट है, तो दोनों तरफ सेम टू सेम है। तो पहले हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3t-9 ये जो 5 के साथ, मतलब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे फर्स्ट, तो 5, ये 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। नेक्स्ट देखो, अभी हम सिंपली इक्वेशन को आगे दोनों तरफ वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट भी है, तो वेरिएबल को एक जगह रखेंगे। ये जो 10t के साथ वेरिएबल है वो आके लेफ्ट को आ जाएगा, जो कि प्लस साइन में नेगेटिव साइन हो जाएगा, और ये जो 5 है और ये जो 9 आएगा यहाँ पर प्लस साइन लेके आ जाएगा। ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, तो -7t = 14। नेक्स्ट t = वेरिएबल हमको रखना है और कांस्टेंट को राइट को ट्रांसपोज करना है 14, और ये जो -7 है ना वो -7 पे ही रहेगा, करेक्ट। तो कट करेंगे -2, हमारा आंसर आ जाएगा t = -2। देखो यहां पर ये प्लस और माइनस साइन पे है, पर यहां पर मल्टीप्लाई होके जो माइनस साइन है ना ये चेंज नहीं होगा, वो माइनस साइन पे आएगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये जो माइनस साइन राइट को आएगा, देखो ये प्लस होके है माइनस होके है, यहाँ पर 9 प्लस एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब रहता है ना वो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो वो उसका साइन चेंज होता रहेगा, ओके वही आपके दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 15 × y-4 − 2 × y-9 + 5 × y + 6, ओके। इस क्वेश्चन में एक ही तरफ कॉन्स्टेंट है और वेरिएबल है, राइट साइड में हमारा बस जीरो है, तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके हैं उन्हीं सभी को हमको मल्टीप्लाई करके लिखना है, करेक्ट। देखो 15 को मैं वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 4 के साथ। नेक्स्ट ये जो माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन मैंने रखा हूं, और 2 वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन जो होगा ना वो प्लस साइन होगा, क्योंकि ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो प्लस हो जाएगा, जो कि 2 × 9 = 18 है। 2 खाली माइनस 2 खाली 9 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 9 का साइन हमारा नेगेटिव है, इसीलिए प्लस देंगे, ये प्लस साइन रहेगा, ये 5y प्लस प्लस रहेगा। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होता, पर प्लस है तो प्लस रह जाएगा। 5 × 6 कितना होगा, 30, जो कि 0। अगेन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 15y है -2y, जो कि कितना, ये प्लस 5y है। 15 + 5 = 20, 20 - 2, 20 > 2 है, इसीलिए 20 - 2 कितना होगा, 18y, और 20 का साइन कितना है, कौन सा है, पॉजिटिव है, इसीलिए 18y हमारा पॉजिटिव साइन होगा। बस उसी पर आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव जहां पर साइन रहता है। नेक्स्ट कांस्टेंट पर आते हैं, देखो यहाँ पर 18 है, 30 है, 30 + 18 कितना होगा, 48, 60 हमारा 48 से ग्रेटर है, पर साइन हमारा कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि 60 इज ग्रेटर देन 48। ये दोनों को हम मिलाएंगे, 30 + 18 तो 48 हो गया, ये 48 हम माइनस करेंगे 60 से, तो 60 से हम माइनस कर लेंगे, 60 - 48 कर लेंगे, 10 जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1, तो -12 रह जाएगा, करेक्ट। तो = 0, y = 18, ये जो माइनस साइन 12 है ना इसको अभी हम लेफ्ट पे लाएंगे, जो कि प्लस साइन में आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, y को रखेंगे, वो वेरिएबल है, और कांस्टेंट को राइट में लाएंगे, जो कि मल्टीप्लाई होके है तो डिवाइड हो जाएगा,
इसको कट कर लेंगे, 2 6 जा 2 9 जा 3 पे कट करेंगे 2 एंड 3, तो y का वैल्यू कितना रहेगा 2/3, जो कि हमारा फाइनल आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 3 × 5z − 7 − 2 × 9z − 11 = 4 × 8z − 13 or − 17 करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों तरफ वेरिएबल विथ कांस्टेंट है, तो पहले हमारा काम क्या है कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो कांस्टेंट रहेगा ब्रैकेट के अंदर जो नंबर रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 5 = 15z − ये माइनस साइन रह जाएगा क्योंकि इसका प्लस साइन है। तो 3 × 7 = 21, ओके। नेक्स्ट −2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के नंबर के साथ, जो माइनस रहेगा, 2 × 9 = 18z रहेगा। सॉरी, देखो ये जो −2 और −11, ये −11 ही होगा ना, तो −−, प्लस एंड 2 × 11 = 22। इस साइड को भी सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, ये जो 4 है मल्टीप्लाई होगा 8z और 13 के साथ, ये 17 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 17 अलग है, ठीक है। 4 × 8 = 32z होगा, माइनस 13 × 4 = कितना, तो माइनस होके 52, और ये 17 रह जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप 15z − 18z, 18z हमारा ग्रेटर देन 15 है, तो −3z होगा क्योंकि 18 ग्रेटर देन 15 है और 18 का साइन माइनस है, ठीक है। तो माइनस साइन और 3, 18 से 15 गया तो 3 रहेगा, जेड टू जेड वेरिएबल सेम है। तो अभी 22 − 1 जो कि +1 होगा क्योंकि 22 इज ग्रेटर देन 21 है और 22 का साइन पॉजिटिव है। नेक्स्ट राइट 32z रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट कोई भी नहीं है, बस न कांस्टेंट को हमको एडिशन करना है, क्यों, क्योंकि 52 माइनस साइन में है और 17 भी माइनस साइन में है, 69, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा के हमको 69 लिखना है, करेक्ट, क्योंकि दोनों साइन जब माइनस रहता है हम उसको आड़ करके उसका साइन लगा देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। अभी 32z, देखो ये 3z और −32z इसको लेट पे ले आए, और ये जो −69 है यहाँ पर जो 1 है राइट को जाएगा तो वो −1 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 − 3 कितना होगा, ये सॉरी 32 और −3 35z हो जाएगा क्योंकि दोनों साइन हमारा नेगेटिव है और दोनों को ऐड कर लेंगे उसी तरह, ठीक है, और जेड को जेड रह जाएगा, यहाँ पर 70 69 + 1 70 और माइनस साइन। नेक्स्ट स्टेप z = −70 रहेगा डिवाइडेड बाय, मैंने आपको क्या बोली थी कि जब आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन साइन के साथ नेगेटिव रहेगा ना, वो नेगेटिव आपके साथ ही आएगा, उसका चेंज मतलब साइन पे चेंज नहीं होगा। तो ये जो 35 यहाँ पर नीचे आएगा डिवाइड होगा वो नेगेटिव साइन लेके आएगा, अब भी हम उसको माइनस कर सकते हैं, और 35 70 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो फाइनली हमारा z = 2 हो गया आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 × 4f − 3 = 0.05 × 10f − 9। इस क्वेश्चन में आपको डेसिमल नंबर पे दिया गया है, तो पहले हमारा अगर डेसिमल है तो हमको क्या सोचना है, और मल्टीप्लाई तो करना है पर आपको मतलब डेसिमल नंबर नहीं है सोच के मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम 2 × 3 4 × 5 ऐसे करते हैं ना, सेम टू सेम आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। वो कैसे, देखो देखो 25 × 4 को हमको मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको क्या बोली, डेसिमल पॉइंट है पर आपको जब मल्टीप्लाई करना है ना, 25 × 4 कितना 100 और f रह जाएगा, ठीक है। मैं बाद में आपको पॉइंट लगा के दिखाऊंगी, 25 − 3 माइनस साइन रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव साइन रहेगा, 25 × 3 कितना होगा 75। नेक्स्ट ये जो 5 है देखो 0 को हटा दो, ठीक है, पॉइंट को भी मत सोचो, 5 × 10 कितना हो जाएगा 50,
और एफ रह जाएगा, माइनस फाइव इंटू नाइन वो माइनस साइन रहेगा और फाइव इंटू नाइन 45 मैंने लिख दिया। उसके बाद अभी हमको पॉइंट लगाना है, देखो पॉइंट कितने नंबर से पहले पॉइंट है तो उतना नंबर से पहले पॉइंट लगा दो। देखो मैंने लगा दिया सेम टू सेम, यहाँ पर भी लगा दिया, जितने नंबर से पहले दो डिजिट से पहले पॉइंट है तो दो डिजिट से पहले लगा दिया, और यहाँ पर भी सेम टू सेम 0.045। काम खत्म, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये है वेरिएबल है और इस साइड वेरिएबल है, तो आपको एक जगह पर वेरिएबल कर देना है, ठीक है, माइनस 0.50f, और ये जो कांस्टेंट है उसको राइट पे ले जाएंगे, इजी हो जाएगा हमको प्लस माइनस करने में, ये जो माइनस होगा ना ये प्लस हो जाएगा, ये सभी को पता है। तो यहाँ पर वन है, ठीक है, ये 50 है, आप सोचो 100 मतलब डेसिमल को हटा के आप सोचो 100 माइनस 50 कितना होगा, 50 ही होगा ना, तो 50 एफ लिख दो और पॉइंट लगा दो, बाद में भी पॉइंट लगा हुए तो चलेगा एक साथ। देखो यहाँ पर 75 माइनस 45 कितना होगा, 0.30। तो पॉइंट हम कैसे लगाएंगे, दो डिजिट से पहले बस फिनिश, और प्लस साइन रहेगा क्योंकि 75 ग्रेटर देन 45। अभी नेक्स्ट स्टेप हमको वेरिएबल चाहिए, तो 0.30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जीरो लिख देती हूँ, 0.50, ये जीरो कैंसिल, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 3/5 एफ इजिकल टू 3/5। देखो अभी हमको क्या करना है, 3 को 5 में हम डिवाइड करेंगे, वो क्यों आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो पॉइंट लगाएंगे तो जीरो डालेंगे तो 6 देंगे तो ये हो जाता है, मतलब डिवाइड हो सकता है, जहां पर नहीं होता है आपको इसी फ्रैक्शन के तरह रखना है वैल्यू को, मतलब आपके आंसर लास्ट तक फ्रैक्शन तक जाएगा। यहाँ पर होता है क्योंकि 5 टेबल पे 30 है मुझे लगा, इसलिए मैं यहाँ पर गई तो 0.6, ठीक है, तो आपको आंसर कितना आएगा 0.6, सॉरी इसको इरेज कर देंगे, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ओके नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।